अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी ज़्यादा लेट बना रहा हूँ और मैंने कहा कि मेरी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली आपने नोट किया हुआ है, काफ़ी महीनों से और दिनों से आपने ग्रैंडी मेरे व्लॉग्स में नहीं देखी होगी। तो उसकी रीज़न ये है कि ग्रैंडी मैंने कर दी है सेल। तो गाड़ी का तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं था, इवन कि उसकी रोड ग्रिप बहुत कमाल थी और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गाड़ी थी, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी कमाल थी, यानी आप कह लें किसी किस्म का मसला नहीं था गाड़ी में। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा मजबूर हो गए थे सेल करने के लिए, क्योंकि आजकल महंगाई अरूज पे चली गई है। आपको पता है डॉलर के क्या हालात जा रहे हैं, पेट्रोल के क्या हालात जा रहे हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है। तो मैंने कहा कि अब थोड़ा गुजारा करते हैं, ये छोटी गाड़ी पे ही थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं कुछ साल के लिए, फिर बाद में इंशाल्लाह क्रोला का नया मॉडल आएगा तो वो भी लेंगे। तो खैर, व्लॉग मैंने बनाया था पिछले वीक, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इसे आप देखें और चलते हैं फिर व्लॉग की तरफ। किधर जा रहे हैं? अर्ली मॉर्निंग वाइट गाइस, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे लाहौर का मौसम जाने तो अब उड़ाओ गाड़ी। अच्छा गाइस, सीन अभी ये है कि अभी 8 भी नहीं बजे और हवा इधर से डलवा रहे थे, वो कह रहे हैं पंचर भी है गाड़ी में, तो पप्पो की गाड़ी है ये, देखते हैं अब पंचर लगाते हैं वो कितना टाइम लगता है, मैं फिर जल्दी से वहाँ जाएंगे मंडी भावी। लो जी भाई साहब, वो कह रहे हैं कि अगले वाले टायर में भी जो है कील घुसा हुआ है तो उसमें भी अब वो पंचर लगाएंगे। ये इनके सही ड्रामे, टोटल पेट्रोल पम्प होकर न्याज। मौसम आप चेक करें कितना सेक्सी है, और इधर पंचर लग रहा है, अगले वाले में भी पंचर। गाइस, सीन अभी ये है कि अभी हम पहुंचे हैं ये सुखेकी इंटरचेंज के पास, आता है इधर रेस्ट एरिया, वहां से ड्राइवर चेंज होगा और हसन पहले चला रहा था गाड़ी, अब आपका भाई चलाएगा। और यहां से तकरीबन 2 घंटे का रह गया मंडी भाव जिंका रास्ता,
फिर तकरीबन वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से कितने बजे तक फ्री होते हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है और दिखाते हैं आपको। मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बहुत ही कमाल। By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did. I know it hurts. तो अभी हम इधर आ गए हैं मंडली बहावुद्दीन पे, और यहाँ से अभी राइट जाना पड़ेगा। सालम इंटरचेंज जो है इस पे आ गए हैं। तकरीबन एक घंटा और दिखा रहा है, और मौसम बहुत ही आउटस्टैंडिंग हुआ है, कमाल। तो गाइस, मंडी बहावुद्दीन हम आ गए हैं। ये पीछे है एक्साइज का ऑफिस, इधर जो इसका थोड़ा सा मसला बना हुआ था। ये हमारी गाड़ी है, होए 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 होए, ये थी, देख सकते हैं आप। ये आखिरी बार इसे देख रहे हैं, फिर कभी ये देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ से ट्रांसफ़र करवाते हैं जल्दी से, और देखते हैं फिर आगे का सीन क्या बनता है। मौसम बहुत सेक्सी हुआ है आज। अच्छा गाइस, हमारा काम हो गया गाड़ी का, ट्रांसफ़र का, और खाना वगैरह भी खा लिया था हमने उधर पास से ही। बस व्लॉग नहीं मैंने बनाया जल्दी जल्दी में। अभी इधर रास्ते में गन्ने वाला नज़र आया था, शायद वो इधर गुड़ वगैरह बना रहे हैं खेतों में, तो इधर से हम शायद गुड़ वगैरह लें और दिखाते हैं आपको। काफ़ी यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ये देखें आप। ये हमें गुड़ मिला, ये नीचे भट्टी बनाई है इन्होंने, इसके नीचे वो आग वगैरह लगा के यहाँ पे गर्म करते हैं। ओए होए होए, यहाँ आप चेक करें कितनी ज़्यादा नीचे लगी हुई है, वाह। इसी का ही है जो है ना, गन्नों का, इसको जलाया जा रहा है छिलके को। इस हसीन नज़ारे के साथ आपका भाई गुड़ इन्जॉय करते हुए और यहाँ कुछ पिक्चर्स बनाते हैं। बहुत आला, एक फोटो। ये वो जो अभी इसे उबाल रहे थे, अब यहाँ पे इसको करेंगे ठंडा। ये फ्रेश अभी गन्ने का जूस है, इसे ये उबालेंगे बहुत ज़्यादा देर तक, और नीचे आग बहुत तेज़ जल, फिर इसके बाद इसको ये ठंडा करते हैं ऐसे फेटा मार के। दूसरे वाला
आपको व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह अब इस गाड़ी के साथ ही आपको कुछ व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई फरहान सिद्दीकी, अल्लाह हाफ़िज़।